हाय गाइज, आभार चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज हम बचे हुए आटे से बहुत टेस्टी स्नैक्स बनाना बताएंगे, जिसे आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ये बचा हुआ डो लेंगे, इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह सूखा आटा लेकर भी इसमें सारी चीज़ें मिलाकर डो तैयार कर सकते हैं। फिर 3 बॉयल्ड आलू लेंगे और इसे मैश कर लेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, 4 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ी कुटी हुई मूंगफली ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 2 पिंच हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डो लेंगे और लोई काट लेंगे। फिर 1 लोई लेंगे और इसमें सूखा आटा लगाकर रोटी के जैसा बेल लेंगे। हमें इसे बड़ी साइज में बेलना है। इसकी थिकनेस रोटी की जितनी रखनी है, ये देखिए। अब फिर से लोई लेकर इसी की साइज का बेल लेंगे। फिर इस पे ऑयल डालकर इसे हाथ से इस तरह फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर मिक्सर रखकर इस तरह चारों तरफ फैला लेंगे। फिर इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। हमें इसे टाइट फोल्ड करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम नाइफ लेंगे और इससे थोड़ी बड़ी बड़ी पीस कट कर लेंगे। फिर 1 पीस लेंगे और इसे हाथ पर रखकर इस तरह पेड़े जैसा बना लेंगे। तो ये देखिए बन गया है। इसी तरह हम सारा तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई पैन लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। फिर इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम ये पीस डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई कर लेंगे। इस समय हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए एक साइड से ये कुक हो गया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पीस को फ्लिप कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पीस को फ्लिप करके दोनों साइड से सेलो फ्राई कर लेंगे। ये पीस बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बचे हुए पीस को भी इसी तरह सेलो फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, मेरे सारे पीस बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे हरी चटनी, मीठी चटनी, टोमेटो केचप किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में तो इजी है ही है। जो आपने देखा, ये बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बना है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और आपका कैसा बना हमें ज़रूर बताइए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।